preview. हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैडम, मैं फारिक कादरी बात कर रहा हूँ, नागपुर महाराष्ट्र। हाँ जी सर। एक अच्छा, अब ये सर के ऑफिस का ही नंबर है ना? हाँ जी। संजय कुमार जी, ईडी हाँ जी। तो सर से बात हो पाएगा मेरा? सर, डायरेक्ट बात तो नहीं हो पाएगी, आपने किस रिगार्डिंग करनी है वो बताइए पहले। एक मेरा मैसेज ये था मैम, हाँ जी। मैं चाह रहा था कुछ, मेरा एक क्वेश्चन थे। तो हाँ जी। सबसे पहली बात, अभी ये घोटाला हुआ है 36,000 CR प्लस का, DHFL का कंपनी का, अच्छा अच्छा हाँ वन जी वीक के अंदर। हाँ जी। इस ईडी क्या कर रहा है? और DHFL वालों ने 27 करोड़ रुपीस डोनेशन दिया था बीजेपी में, तो पार्टी अच्छा फंड में वो आया, तो उसके ऊपर में इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होता है? और हमारे यहाँ के टॉप पॉलिटिशियन, इनके ऊपर में नितिन गडकरी जी और एक टाइम पे लूना पे घूमते थे वो, आज 1,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति इनके पास में कहाँ से आया? तो इसके ऊपर में जांच क्यों नहीं होती है? इनको कभी क्यों बुलाया नहीं जाता है? सेकंड, असदुद्दीन अवैसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद, हाँ जी। ये पॉलिटिशियनों पे इस तरीके से नहीं होता है? एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि ईडी 110% बीजेपी की दलाली कर रहा है। बस ईडी से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जो काम है मैडम, जो डिपार्टमेंटल काम होता है वो नहीं हो रहा है, बरोबर? सर आप इसके रिगार्डिंग मेल कीजिए, बात मैं आपसे ऑलरेडी कर दिया, 6 मंथ हो गया, कोई रिप्लाई नहीं आता है उसमें आपकी तरफ। 6 मंथ हो गए तो सर एक बार रिमाइंडर दे दीजिए उसका। रिमाइंडर भी दे दिया 3 मंथ पहले। अच्छा, किस आईडी पे किया था सर? आपका ही जो ऑफिशियल वेब है, ऑफिशियल डीएचएफएल ईमेल अंडर है। एनफोर्समेंट पे सर। हाँ हाँ ठीक है सर, कोई नहीं, इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रही होगी ऑलरेडी, 3 मंथ्स पहले मैं, मैंने बाकी बोला था। आपको भी तो समझ में आता होगा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, देश की बर्बादी, इतने बड़े घोटाले, नीरव मोदी चले जाते हैं लेकर, ईडी खामोश रहता है, विजय माल्या लेकर भाग इन्वेस्टिगेशन जाता है, ऑलरेडी चल रही है। केसेस चल रहे हैं, बात सही है। लेकिन ये एक बात समझ में नहीं आती है, यहाँ पे नागपुर के एक सतीश ओके थे, एक वो नॉर्मल से 2 भाई छोटे से घर में रहने वाले, उनके ऊपर में ईडी के रेड करना, मतलब इस तरीके से एकदम, मतलब मिसयूज करके ऐसा डराया धमकाना जाना, एक मतलब एक पार्टी की पर्टिकुलर वो करना, ये गलत बात है। तो थोड़ी सी अगर शर्म बाकी होगी सर के अंदर में, तो बोलिए, ईमानदारिता से ड्यूटी करे, नहीं तो इस्तीफा दे दो, सर आप राइट? ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं, मेरा मैसेज पहुंचाओ, आप मत करो ना, मेरी बात पहुंचाओ। एक जनता, इंडिया का एक सिटीजन सर से एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप जनता के नौकर है और उनको ईमानदारिता से काम करना चाहिए, वो नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दिए जाए, सिंपल। कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन उस पर चल रही है। मैम, DHFL से नहीं हुआ, नीरव मोदी कितने हैं, मैं एक आपको ऐसे गिनाने बैठूंगा तो 1,000 मुद्दे है जिसके ऊपर में ईडी खामोश रहता है, और बाकी के छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर में ईडी बस लोगों को डराया जाता है, जो मतलब जो बीजेपी, जो इनकी पेरेंट पार्टी है ईडी का, बीजेपी सर ठीक है, उसकी। आपने मेल कर दिया, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब कॉल वेटिंग पे है, सेकंड कॉल मैं कट कर रही हूँ सर। धन्यवाद, मैसेज आपसे पहुंचाइएगा। हाँ हाँ ओके ओके।